चलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कुछ बच्चे क्योंकि नीट की डेट आ गई है तो थोड़ा घबराए हुए तो आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं नारा लगाना चाह रहे हैं बोलो बायोलॉजी मैया की चलो अब मेरे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आए हैं ब्रेक में यहाँ तो बहुत कूल काम दिख रहे थे बट अभी आए हैं बात करने के लिए तो सेवेंथ में डेट अनाउंस हो गई है आप लोगों की ठीक है यानी अब, अब अब अपने दिमाग के पास कोई बहाना नहीं बचा है एक भी दिन बर्बाद करने का अब अपने पास में टारगेट आ गया है सात मई का और अ, मेरी तरफ से मैं दो तीन बातें बोलूंगी आपको रोज तो हम बात करेंगे इस बारे में एक तो तीनों सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग ऑफ ऑल थ्री सब्जेक्ट्स

तो यहाँ पे यहाँ पे चार सब्जेक्ट्स होंगे आपके बॉटनी जुलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन चारों में से देखिए आपकी स्ट्रेंथ कौन सा है और आपकी वीकनेस कौन सी है जनरली स्टूडेंट्स का बायो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है 310-320 नंबर आते हैं तो भी उन्हें लगता है हमारी बायो बहुत अच्छी चल रही है उससे काम नहीं चलेगा अगर 310 आते हैं तो 320 पे लेके आओ 20 आते हैं तो 30 पे लेके आओ 30 आते हैं तो 40 पे लेके आओ क्योंकि आप नहीं जानते किस साल वो फिजिक्स केमिस्ट्री सडनली लेवल अप कर दे या किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है तो उसे और स्ट्रांग बनाइए क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि किस साल वो बायो हार्ड बना दे कब क्या पेपर करेंगे तो जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसे स्ट्रांगर रखना है और जो वीक सब्जेक्ट है उसमें पंद्रह बीस नंबर धीरे धीरे कर कर बढ़ाने हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना नंबर टू बात बायो में सबसे ज्यादा चांस होता है स्कोर करने का मोस्ट स्कोरिंग बायो होता है क्योंकि बायो में अगर उन्होंने टफेस्ट पेपर भी बनाया लास्ट ईयर जैसी बीस मैं तो पूरे साल बोलती थी कि पेपर लेंदी आएगा लेंदी आएगा चलो उसको भी नहीं मानो आप लोग मेरी बात भी नहीं मानते तो जैसे ही उन्होंने बीस मिनट बढ़ाए थे वैसे ही समझ में आ गया था कि पेपर वो लेंदी बनाने वाले हैं कौन सा लेंदी बनाने वाले हैं वो नहीं पता था बायो में संभावना सबसे ज्यादा होती है क्योंकि थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है तो इसी तरीके से इस बार भी आप ऐसी खुशफहमियाँ मत पालना कि सात मई जल्दी कर रहे हैं तो ईजी पेपर बनाएंगे ऐसी कोई खुशफहमी मत रखिएगा कि सात मई है तो इजी होगा आप पेपर के लिए प्रिपेयर होइए बायो में अगर टफ से टफ पेपर भी बनता है तो मैक्स मैक्स टू मैक्स भी अपन माने तो नब्बे में से दस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बोल रही हूं ऐसे आ सकते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस आए बहुत टफ आए बहुत कंसेप्चुअल आए जो अपनी हवाइयां उड़ा दे फिर भी बायो में एट्टी आउट ऑफ नाइनटी क्वेश्चन सेफ है बहुत सेफ है बजाय फिजिक्स केमिस्ट्री के फिजिक्स केमिस्ट्री कंपेरिटिवली हार्डर आने का चांस ज्यादा रहता है तो बायो में बहुत 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 अच्छे से वर्क उसका तरीका नंबर एक है कि शुड बी ऑन योर टिप्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समझकर टी करनी है बार 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 एन का रिवीजन करना है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक और मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट एडवाइस है आप लोगों को कि बहुत सारे क्वेश्चंस छानना बंद कर दीजिए जैसे किसी स्टूडेंट के 280, 300 नंबर आते हैं वो टफ टफ क्वेश्चंस ढूंढना शुरू कर देता है हजारों मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी हजारों लाखों क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं। आप मत करो ऐसा आप बार 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 अपने नोट्स एनसीआर जो आते ये जो अस्सी क्वेश्चन है ना इनके लिए फाइट करो दस क्वेश्चन के पीछे कभी मत भागो मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि वो दस क्वेश्चन जरूरी नहीं है दस हो, हो सकता है पांच ही आए हो सकता है चार ही आए अपन तो मैक्सिमम दस मान रहे हैं वो दस क्वेश्चन का लेवल तो कुछ भी हो सकता है उसके लिए कितना देखोगे और उसको पढ़ने के चक्कर में ही अस्सी हाथ से जाते हैं कितने स्टूडेंट जो ऑनेस्टली बताइए जिनके वाकई में ये एट्टी जो डायरेक्ट होते हैं वो गलत होते हैं टेस्ट के अंदर मैक्सिमम ये देखिए मै <coughs> मैक्सिमम आप सबके हाथ उठ रहे हैं सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Even physics, chemistry में भी यही बात है जो लेक्चर्स हैं आपके आपकी क्लासेस हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं आपके टीचर्स के कराए हुए जो क्वेश्चंस हैं इसके पीछे भागो मैं हमेशा बोलूंगी उस पांच परसेंट पेपर के पीछे मत भागिए जो अनप्रेडिक्टेबल है जो हम नहीं जानते कहां से आएगा क्योंकि उस पांच परसेंट का लेवल तो कुछ भी हो सकता है आप नाइनटी से नाइनटी फाइव परसेंट पेपर को अपने हाथ में रखने की कोशिश कीजिए तीनों सब्जेक्ट्स में मेरा फेवरेट डायलॉग है हमेशा चिपकाती हूँ मैं तीनों सब्जेक्ट्स में अगर नाइनटी 95 फाइव आ जाएंगे तो टॉप कर जाओगे अंडर 100 आ जाओगे आप तो इसीलिए आप सिलेक्शन तो पक्का ही हो जाएगा कोई सोचने की बात नहीं है इसीलिए आप लोग प्लीज दस जगह डाइवर्टेड मत होइए एक सोर्स अपना लो उस सोर्स को पढ़ो उसको रिवाइज करो उसके क्वेश्चन करो बार बार करो करो समझ के करो, वहां से एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा एक सोर्स वो मेरे तो गिरधर गोपाल ना कोई आपको लगाना पड़ेगा अब आपके पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं बचा है टाइम वेस्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई टाइम पास के लिए भी नहीं है कि चलो यार ये कार्डिक साइकिल मैम ने भी पढ़ाई है कहीं और से भी एक बार देख लेता हूं चलो इसके क्वेश्चन कहीं और से लगा के देखता हूं मुझे आते हैं कि नहीं आते हैं। कोई नहीं करना जितने क्वेश्चन करा रही उतने कर लो more than enough है उसके अलावा एनसीआर से दोबारा खुद बना बना के साइकिल देखो मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ तो एक को फॉलो करो और उसको पूरा पूरा फॉलो करो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस समय पे मैं आपको वापस बोलूंगी सारा खेल आ गया या फोकस स्टडी का सारा स्ट्रेटजी का खेल है अब सारा और एक और चीज मैंने अपनी लाइफ में देखा है सेवेंटी परसेंट बच्चा इस समय हार मान जाता है इस समय गिव अप कर देता है जिस भी स्टूडेंट के ढाई सौ दो सौ चालीस से कम होते हैं ना वो काफी तो दिमाग में अभी गिव अप कर चुके हैं कि नहीं यार इतनी जल्दी अब कैसे होगा काफी और काफी कर देते हैं काफी लोग थक जाते हैं पूरा साल पढ़ते 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 जनवरी फेबरी तक आते आते थक जाते हैं डाउन हो जाते हैं और यही सारा डिसाइडिंग टाइम होता है ये जो अब अगले तीन महीने हैं ये मोस्ट क्रूशियल मंथस है वो कहते हैं ना हाथी निकल जाता है पूछ रह जाती है जैसे हमारी ऑप्शन में जब हम डिलीवरी कराते हैं तो पूरा बेबी तो आउट हो जाता है पर वो जो एंड में निकलना होता है वो बड़ी जद्दोजहद होती है डिलीवरी के टाइम बाकी तो बच्चा बहुत आराम से बाहर आता है ये बिल्कुल वही बात है प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही होता है लेडी के पूरे महीने तो आराम से निकल जाते हैं वो नाइन्थ मंथ लगता है उसके बाद उसको ऐसा लगता है भगवान डिलीवरी करो उसको बाहर निकालो बच्चे को मैडम आप तो सिजेरियन कर दो बाहर निकाल दो तब तक तो वो पेशेंस होता है फिर सडनली रेस्टलेसनेस होती है गिविंग अप की टेंडेंसी होती है चलो यार अब तो अगले साल करेंगे अब तो अपना नहीं होना है छोड़ो थक गए इतना सब कुछ हो गया कैसे समेटे ये चीजें आएंगी और ये सबके साथ ये मेजोरिटी के साथ होता है और यही डिसाइड करता है कि इस साल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो कोई भी गिव अप नहीं करो बहुत टाइम है अभी पढ़ने के लिए अभी अपने पास साढ़े चार महीने हैं और साढ़े चार महीने बहुत लंबा समय होता है पूरे फोर मंथ्स हैं जनवरी फेबर मार्च अप्रैल और आधा दिसंबर है आज की तारीख से तो भी सिलेक्ट हो सकता है फोकस स्टडी करके रेगुलर स्टडी करके सिंसियर स्टडी करके मैं तो इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ। आप लोगों का तो फिर भी एक परसेंटेज ऑफ स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है तो फुल्ली फोकसड हो जाओ गिवअप मत करो टाइम वेस्ट मत करो टाइम पास मत करो फालतू गॉसिपिंग मत करो फालतू डिस्कशंस मत करो अपना प्लानर बनाओ वीकली प्लानर बनाओ उसमें डेली प्लानर बनाओ दिमाग में होना चाहिए आज सोते टाइम पर कि कल सुबह उठकर क्या पढ़ना है दिन में क्या पढ़ना है शाम को क्या पढ़ना है रात को क्या पढ़ना है संडे को क्या पढ़ना है ऐसा नहीं रैंडम स्टडीज करोगे पूरा प्लानर होना चाहिए हर हफ्ते का और हर दिन का आपने अगर ये कर लिया नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड नीट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी रेगुलर स्टडीज फोकस स्टडीज और लिमिटेड स्टडीज वॉट टू ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट के एग्जाम में व्हाट नॉट टू स्टडी है बहुत ज्यादा पचास चीजें मत करिए एक चीज करो उसको थरली करो फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ मत करो आपके टीचर्स ने जो क्वेश्चंस कराए हैं क्लास में जो एग्जांपल्स कराए हैं क्वेश्चंस कराए हैं आपको शीट में कराए हैं जो भी मार्क कराया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पी वाई अच्छे से समझ के उनको बार 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 दस बार पंद्रह बार बीस बार कर लो मैं तो आपको यहां तक बोलती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है ना जो आपको समझ ही नहीं आ रहा पल्ले नहीं पड़ रहा आप मैकेनिकली उसको करते रहोगे ना देखना तीसरी चौथी बार आपको समझ आने लग जाएगा करके देखना वो क्वेश्चन ही अपने आप को समझाएगा वही बोलेगा अरे पीछे पड़ेगा इसको समझाओ और खत्म करे अपना पीछा छोड़े ये होता है बिना समझे भी करोगे ना डायरेक्ट तो भी समझ आने लग जाएगा एनसीआरटी का कोई टॉपिक बायो का समझ नहीं आता ना उसको पढ़ना शुरू करना बस पढ़ना ध्यान से एक एक वर्ड कोशिश करना कि हां समझना है भले ही समझ नहीं आ रहा तीसरी चौथी बार में वो आपको समझ आने लग जाएगा अपने आप समझ आने लग जाएगा ये ये जादू होता है इस ऊर्जा का इस पढ़ने की ऊर्जा का अपन क्या गिव अप कर देते हैं एक बार में नहीं आया एक ट्राई और करा दूसरी बार में गिव अप ये गिव अप नहीं करना है तो एक भी स्टूडेंट गिव अप मत करो साढ़े चार महीने का समय है बहुत समय है बहुत आराम से पढ़ सकते हो कोई कमी नहीं है सबके पास 24 घंटे हैं सबके पास हफ्ते में सात दिन है सबके पास महीने में 30 है इकतीस दिन है फेबर में अट्ठाइस जो भी है लीप ईयर थोड़ी है अभी हाँ तो लीप ईयर नहीं है तो अट्ठाइस दिन ठीक है थीके? तो बिल्कुल आराम से पढ़ो फोकस्ड पढ़ो डाइवर्टेड मत हो और दस बुक्स मत करो और बैलेंस करो सारे सब्जेक्ट्स को ना खुशफहमी पालना है ना डिप्रेशन में जाना है फोकस्ड रोके पढ़ना है ठीक है और अपन टाइम टू टाइम ऑफकोर्स बात करते रहेंगे लेकिन टाइम मत पास करना अब समय नहीं है इसीलिए उन्होंने डेट दे दी इनफैक्ट वी शुड बी थैंकफुल कि वेल इन टाइम हमको डेट दे दिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमें कोई दो महीने पहले सडनली सरप्राइज नहीं कर रहे हैं वो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत अच्छे से टाइमली डेट आ गई है जब हम बहुत आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है